एसी कंडेंसर खुला था तो काम में ऐसी गैस निकली थी, तो मैं अब इसकी ऐसी गैस रिचार्ज करूँगा और वैक्यूम करूँगा। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर पाइप, इनको रिचार्ज करना है पहले गैस रिचार्ज को उठाना है। ऐसी मशीन में इसकी एक पाइप है दो, इसमें अपने को देखना है लो प्रेशर हाई प्रेशर पाइप। तो ये मैं लो प्रेशर पाइप चेक कर रहा हूँ, ये इसकी लो प्रेशर। ये लो प्रेशर पाइप है, ये इसमें इसको लेना है, इसको पूरे को खोल लेना है ऊपर से। उसके बाद में इसको ऐसे करके ऐसे पुश करके ऐसे ऐसे करके बैठना है, ये ऐसे बैठ जाएगा। ऐसे करके इसको ऊपर से फंस देना, ऐसे ही इसकी ऐसे हाइट है, इसको खोलना है केक को। खींच के देख लो आ रही है, ओके। उसके बाद में मशीन पे दौड़ो, उसके बाद में ये दोनों ऑन करना है अपने को। फिर ये सेल, सेल का बटन दबाना है, वैक्यूम कर, वैक्यूम करना है। हाँ, 5 मिनट का, 10 मिनट का लो, ये 10 मिनट, 10 मिनट का वैक्यूम करूँगा। स्टार्ट, बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब ये वैक्यूम हो रहा है। ये वैक्यूम हो रहा है, वैक्यूम का मतलब है कि गाड़ी में एयर एसी की पाइप में जितना भी डस्ट है उसको सबको खींच देगा ये। वैक्यूम हो रहा है, देखो मिनटें चल रही है, 10 पे लगाया था मैंने। कितनी डलेगी? 800। उसके बाद कौन सा बटन दबाना है? 590 ग्राम एसी केस स्टार्ट। अभी फीलिंग हो रही है एसी गैस चावल में, बस पाइप कनेक्ट हो रही है। टेन एम एल ऑयल भी डाला है, ये भी डाला है।